मनाया जाता है तो भगवत प्राप्ति का लक्ष्य होता है। वनवास या भगवत धाम वास या किसी पुरी में वास करने की जब हमारी भावना होती है तो पापाचरण की थोड़ी होती है। हमारी भावना होती कि वहां रहकर हम भजन करेंगे, सतमार्ग में चलेंगे, भगवत भक्ति करेंगे। अब ऐसे उपासक से यदि चूक हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, तो जैसे मलिन बालक की मलिनता को माँ ना देखकर केवल अपना पुत्र देखती है। वृंदावन ही प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर ले। वो मल से सना हुआ बालक माँ कहकर पुकारता है तो दूसरों को तो दिखाई देता है मलयुक्त बालक और माँ को सिर्फ बालक दिखाई देता है। ऐसे ही जो धाम का सेवन करते हैं वो पापाचरण तो करने का उत्साह रखेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने लक्ष्य बनाया भगवत प्राप्ति। हाँ, यदि पूर्वाभ्यास बस उनसे पाप हो जाता है तो धाम माँ की तरह कृपा करके उसके पाप का मार्जन करके उसे भगवत प्राप्ति कराता है। और दूसरी बात, अगर आपका सौभाग्य धाम वास का नहीं हो पाया, आप भगवत आश्रय लिए हैं और वृंदावन का चिंतन करती हैं, वृंदावन की प्रिया प्रीतम का चिंतन करती हैं, तो जो एक गुरुनिष्ठ धामवासी की गति होगी वही उसकी गति होगी। वृंदावन को चिंतवन यह दीप उर्बार, कोटि जन्म के अग तमय काट करे उजियार। बार बार वृंदावन धाम का चिंतन करना, बिहारी जी के दर्शन के, वृंदावन की परिक्रमा लगाई, आचमन, ये सब मानसिक हो रहा है। आप लाखों कोस दूर बैठी हो, लेकिन वृंदावन का अगर ऐसा चिंतन हो रहा है जो आपने जैसा कहा, तो करोड़ों जन्मों के जो मलिन आचरण हुए हैं उनको भस्म करके वृंदावन प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करा देगा। वो दुर्भागी नहीं जो धाम में वास कर रहा है। चूक होना स्वाभाविक है। जैसे हम आज तक पाप करते रहे, अब हम सुधार करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं कि हमसे आज से पाप बनेगा ही नहीं, ऐसा कोई है ही नहीं, कोई ऐसा है ही नहीं, क्योंकि मन और बुद्धि हमारे फिसलने वाले हैं, चूक हो सकती है। तो राहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सहबार किए की। हृदय में उसने ठान लिया मुझे भगवत प्राप्ति करनी, अब वो चूक उसको आप बिगाड़ नहीं सकती। चूक और हर्षित होकर संकल्प बनाकर पापाचरण करना, इसमें अंतर है। हर्षित होकर धामवासी क्यों पाप करेगा, वो भगवत प्राप्ति के लिए आया है। विवश होकर यदि कोई चूक हो जाती है तो भगवान उसे क्षमा करते हैं और उसे आगे बढ़ाते हैं, नहीं तो हम में से कोई भी भगवत प्राप्ति न कर पाए, क्योंकि मन और इंद्रियां इतनी प्रमथम स्वभाव की है, विषय संयोग होने पर तत्काल फिसला देती है। धीरे धीरे सहत सहत बाढ़े भगत ग्रे तन गुरु हितगार, धीरे धीरे वो वासनाओं पर विजय प्राप्त करके भगवत प्राप्ति कर लेता है। अगर हम इस तरह की अवहेलनात्मक वाणी के द्वारा बोले तो धाम वास करता पापाचरण करता है, तो ऐसा नहीं होता। धाम वास करने वाला कोई पापाचरण करने के लिए आया ही नहीं है, यहाँ तो प्रेम प्राप्ति करने के लिए आया है, क्योंकि अपनी जैसी भावना होती वैसे ही तो दिखा जाता है ना। अगर हमारा चश्मा हरा चढ़ा है तो हरा दिखाई देगा, लाल चढ़ा है तो लाल दिखाई देगा। अब उससे यदि कोई पापाचरण हो जाता है तो धाम उसे क्षमा करता है। जैसे आप बाहर हो तो क्या आपसे पापाचरण नहीं होता, क्या नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो जाएगा, क्योंकि हमारा स्वभाव जन्म जन्मांतर से फिसलने वाला बना है। मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सकती, ये जब प्रकृति की ओर इनका प्रवाह है और परमात्मा की ओर पलटे तो बहुत कठिन है इसके मोड़ को करना, वो केवल गुरुदेव करते हैं, श्री भगवान करते हैं। तो इतना पलटते पलटते चूक हो सकती है, उस चूक को भगवान गिनते नहीं है। जो हर्षित होकर व्यभिचार या संकल्प करके पापाचरण हिंसा की जाती है वो दंडनीय महत अपराध है, अब उसे भोगना पड़ेगा। हम धाम वास करते हैं प्रभु के लिए, पर मेरे से गलती हो गई, मेरे से चूक हो गई, ऐसे जनों को भगवान अहम तो आम स्वर पापेभ्यो मोक्षिष्या में मासुचा, भगवान बहुत करुणा में, नहीं तो भगवत प्राप्ति बहुत कठिन है। ये ऐसी गाड़ी नहीं कि एकदम ब्रेक लगा दे तो सकले ही ना, बड़े बड़े ब्रेक लगाने के बाद वो हाथों सकिल जाती है। इसलिए वो आज से निर्णय किया है कि मैं भगवत प्राप्ति करूंगा, पर उससे त्रुटि हो सकती है, उस त्रुटि को भगवान क्षमा करते हैं। वो त्रुटि करना नहीं चाहता, विवश होकर के हो गई। एक है हर्षित होकर करना, उसको दंड मिलेगा, पाप वही है, लेकिन वो विवश होके हो गया तो उसको क्षमा मिलेगी और आगे बढ़ेगा।